इंडिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी कारों के दाम में बड़ा इजाफा किया है। मारुति ने अपने सभी मॉडल की कारों पर 20,000 रुपए तुरंत प्रभाव से बढ़ा दिए हैं। दाम बढ़ोतरी से पहले जुलाई महीने में कंपनी की कुल बिक्री में 12.7% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने बताया कि कंपनी ने 1,37,116 कारों की बिक्री की, जबकि पिछले साल जुलाई में कुल 1,21,712 रुपए की बिक्री हुई है। बीएससी में दाखिल रिपोर्ट में कंपनी ने कहा कि जुलाई में कंपनी ने अब तक की सर्वाधिक घरेलू बिक्री की 1,25,778 यूनिट की रही, जो कि पिछले साल के इसी महीने की कुल 1,10,405 यूनिट के मुकाबले 13.9% अधिक है। जुलाई में मिनी सेगमेंट के कारों की बिक्री 35,051 यूनिट रही, जो जुलाई 2015 की 37,752 यूनिट्स के मुकाबले 7.2% कम है। गौरतलब है कि इससे पहले इसी साल मार्च महीने में मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की कीमतों में 34,494 रुपए तक का इजाफा कर दिया था। आम बजट में कारों पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाए जाने के बाद कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।